काफी देर से चली आ रही लोगों की देवीचंद पार्क कोटली कॉलोनी की खस्ता हालत को सुधारने की मांग पर आज पूर्व विधायक सत शर्मा और वार्ड नंबर 24 की कॉरपोरेटर अनु बाली की देखरेख में देवीचंद पार्क कोटली कॉलोनी में नवीकरण का काम शुरू करवाया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक सत शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने विधायक रहते ही अपने CDF फंड से पार्क में शेड बनवाने के लिए 6 लाख रुपए की राशि की घोषणा कर दी थी। आज लगभग 6 लाख रुपए की लागत से स्वर्गीय देवीचंद पार्क रिहाड़ी कॉलोनी वार्ड नंबर 24 और 25 के बीच का एक पूर्णता हिस्सा है उसकी शुरुआत करवाई है। यहाँ जरूर थी आज, इस तरीके से हमने बारिश में भी इसकी शुरुआत कराई है। कारण ये है कि यहाँ पर बारिश के कारण लोगों को प्रॉब्लम रहती थी, दिक्कत होती थी, लोग शहर को नहीं आ पाते थे, जिसके चलते एक शेड की घोषणा पिछले दिनों में मैंने अपने CDM में से की थी। और लगातार से जो घास है यहाँ की खराब होती है, उसी को भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर एक कोशिश थी कि यहाँ पर एक पानी की टैंकी, गेट, एक भव्य गेट का निर्माण किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह थी, हमारी एक पुरानी संपदा बरगद का दरख्त, हमारे बिल्कुल पहचान जो हमारी इस रिहाड़ी कॉलोनी की है, वो बिल्कुल हमारा जो पुलिस पोस्ट है उसके साथ सटता था, जिसके कारण वहाँ गंदगी जो थी वो फैला दी गई थी, उसका भी सौंदर्यकरण किया जाए, उसके लिए मैंने 6 लाख रुपये की लागत से अपना CDF दिया था। आज ऑनरेबल कॉरपोरेटर यहाँ की हमारी अनु जी और उर्वशी जी और यहाँ पर जिला के अध्यक्ष अयोध्या गुप्ता जी, हमारे महामंत्री संजीव जी और जितने भी गणमान्य नागरिकगण मेरे साथ हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि जिनके माध्यम से आज इस कार्य की जो शुरुआत हुई है। हम सब मिलकर अपने इस पार्क को, हमारे यहाँ की धरोहर है ये, इस पार्क को और इस हमारी इस धरोहर को स्वच्छ रखने का प्रयत्न करें। देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी जी का सपना है, उसको चरितार्थ करने की जो है वो पूरा प्रयत्न। हाँ जी, ये हमारा 24 नंबर वार्ड और 25 नंबर वार्ड का एडजॉइनिंग पार्क है देवीचंद पार्क। ये काफी समय से पेंडिंग पार्क था। ये हम सत शर्मा जी के शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने ये पार्क का सुंदरीकरण का मतलब बीड़ा उठाया है। और ये लोगों की काफ़ी पुरानी डिमांड थी और ये हम इनके काफ़ी मतलब लोग चाहते थे कि इस पार्क का सुंदरीकरण हो। ये इनके लेट काम शुरू किया, पर शुक्र है काम तो शुरू हुआ इस पार्क का।